बाजीराव मस्तानी के बाद अजय देवगन ने ठुकराए भंसाली के दो बड़े प्रोजेक्ट, जाने कारण। बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म तानाजी को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म के दो ट्रेलर रिलीज किए जा चुके हैं, वही दर्शक इन ट्रेलर्स को काफी पसंद भी कर रहे हैं। हाल ही में अजय को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई है, जिसकी माने तो अजय देवगन ने एक बार फिर से भंसाली के दो बड़े प्रोजेक्ट्स को लात मारी है। जी हां, साल 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम में भंसाली के साथ काम कर चुके अजय अब दूसरी बार भंसाली की फिल्मों को इनकार कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में दिवाली पार्टी के दौरान अजय देवगन और भंसाली ने अशोक पंडित के यहाँ शिरकत की थी। इस दौरान भंसाली ने काफी सूझबूझ से अजय को अपनी फिल्म बैजू बावरा और गंगूबाई के बारे में समझा रहे थे। हालांकि पार्टी में ठीक से अजय की स्वीकारिता ना पाने पर भंसाली ने उन्हें अपने ऑफिस आने को कहा। यहां भंसाली ने अजय के सामने दोनों ही फिल्मों की स्क्रिप्ट और अजय द्वारा प्ले किए जाने वाले किरदारों को रखा, जिसमें मैवरिक मेस्ट्रो की बदले की कहानी पर आधारित फिल्म बैजू बावरा में अजय तानसेन का किरदार निभा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अजय को गंगूबाई काठियावाड़ी में एक डकैत का किरदार ऑफर हुआ। अब क्योंकि इन दिनों ही फिल्मों में जहां अजय को सेकेंड लीड ऑफर हुआ तो उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। दरअसल बैजू बावरा में लीड रोल रणवीर सिंह या ऋतिक रोशन कर सकते हैं, तो वही गंगूबाई में आलिया लीड रोल करने वाली है, जिसकी वजह से अजय ने दोनों ही फिल्मों को करने से इनकार कर दिया। फिर अब देखते हैं अब इन फिल्मों के लिए भंसाली किसे कास्ट करते हैं।